गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा सेवन्थ की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2 दिनांक 12/7/2020। किसके लिए वर्कशीट है? छात्र का नाम यहाँ पर, विषय अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, कक्षा अध्यापक नहीं, विषय अध्यापक जो गणित पढ़ाता है आपको उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1, गोले में दी गई भिन्नों में से टेबल को पूरा कीजिए। उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो यहाँ पर 2/3 जैसे इसमें से यहाँ पर 2/3 को यहाँ पर लिख दिया है, ये उचित भिन्न है, यानी कि ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है नीचे वाली बड़ी है तो ये उचित भिन्न कहलाती है, इसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर यहाँ पर अनुचित भिन्न, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो इसको अनुचित भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन जिसे कहा जाता है, इसमें इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर जैसे 5 सही 3/7 ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये 3 सही 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है और नहीं है इसमें से। अब यहाँ पर उचित भिन्न में बात करें तो इसमें उचित भिन्न कौन कौन से हैं, 5/9 यहाँ ले लेते हैं, 5/9 लिख लेते हैं, 5/9 भी उचित भिन्न है यहाँ पर। और इसके बाद में 6 की बात करें तो ये कौन से में आएगा, 6 जो है 6 को 6/1 लिख सकते हैं तो ये अनुचित भिन्न में आएगा। और ये 1/3 इसमें आएगा। और अगर हम बात करें 3/15 तो 3/15 भी हमारा इसी में आएगा। ठीक है जी, 7/3 की बात करें तो 7/3 हमारा अनुचित भिन्न में आएगा। और हमारा बचा ये 8/5 तो 8/5 भी हमारा इसमें ही आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे उचित भिन्न में कौन से हैं, अनुचित भिन्न में कौन से, मिश्रित भिन्न में कौन से आएंगे, तो इनको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। जो संख्या इस तरीके से लिखी जाती है वो मिश्रित भिन्न है। अगर नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो वो अनुचित भिन्न, और अगर यहाँ पर नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है जी, ये मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आगे यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कौन से सवाल को कैसे करना है। तो यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन है, तालिका देखें और पूरा करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर 1 कंप्लीट है और 3 भरे हुए हैं और टोटल है ये 5, तो ये इसको हम लिखते हैं 1 सही 3/5। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 कंप्लीट है, यहाँ पर ये टोटल कितने हैं 8 हैं, और 8 में से कितने भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं, तो 3 ऊपर और टोटल कितने हैं ये 8 हैं, तो 1 सही 3/8। इसकी बात करें तो 1 कंप्लीट भरा हुआ है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद में इसमें से इस बॉक्स में टोटल कितने हैं, 6 हैं, 6 में से कितने भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं, तो 4 ऊपर और 6 नीचे। इसको काटने के बाद में भी लिख सकते हैं, तो इसको काटने के बाद में 1 सही 2/3 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, वैसे यहाँ पर जो लिखा जा रहा है अभी वो ये लिखा जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी बात करें तो 2 इसमें पूरे पूरे हैं तो 2 हमारे ये हो गए। इसके बाद में यहाँ 5 में से 3 भरे हुए हैं तो 3 ऊपर और 5 नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इसको फिल करके आपको दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चले आगे हम चलते हैं, तो चलते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है इसकी बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक तीरों के अनुसार रास्ते के 7 भिन्नों को जोड़ें और घटाव करें। तो यहाँ पर सबसे पहले 2/7 में से 1/7 को घटाएंगे, देखो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, जो हर है वो बराबर है, तो ये अपॉन में तो बराबर ही आएगा। ऊपर 2 है और नीचे यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 को यहाँ पर घटाना है, घटा का साइन है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/7 हो गया। यहाँ पर 1/7 और यहाँ 6/7, अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे वाला जो 7 है वो दोनों में समान है तो 7 यहाँ पर आ गया, और ऊपर वाला को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम आगे यहाँ इधर वाले की बात करें, यहाँ से यहाँ पर 2/7 और 3/7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितने होंगे, 5 हो गए ऊपर, और नीचे
है सात, तो ये सेम लिखा जाएगा। इसके बाद में इसमें से 5/7 में से 1/7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और नीचे 7 ही रहेगा तो ये 4/7 आ गया। 4/7 में से 4/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4/7 में से 4/7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। और यहाँ पर अगर हम इसको काट के लिखेंगे 7/7 को, ये आ जाएगा हमारा 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 0। तो ये हमारा इस तरीके से परफेक्शन के साथ में ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किस तरीके से होना है तो वो हम यहाँ पर अभी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और करते हैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारे लिए जो सवाल दिया हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैं मिस्टेक अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर भरना शुरू करते हैं जहां से शुरुआत हमें दी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा ये गोला में ये 47 भरा हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं से स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पर 47 में से -23, 47 -47 है, -23 है। आइए खेलते हैं, नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले समान चिन्ह का जोड़ना, तो मीन्स जोड़ो और चिन्ह रखें, अलग अलग चिन्ह, अलग चिन्ह का जोड़ना मीन्स घटाना, और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या के चिन्ह को रखना। दूसरा समान चिन्ह का गुणा करना यानी कि धनात्मक उत्तर, ठीक है जी। अलग चिन्ह का गुणा करना यानी कि ऋणात्मक उत्तर, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, -47 है, -47 में यानी कि जोड़ा जा रहा है -23, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -70, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70। अब 70 में अगर हम -40 ऐड करते हैं तो कितना आता है, -110 आता है, कितना आता है, 110 माइनस का, ठीक है जी, -110 का आता है। इसमें प्लस करते हैं अगर 60 तो कितना आता है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -50। तो ये फिनिश हो गया यहीं पर, ठीक है जी। अब हम यहाँ नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर -70 है, -70 में से अगर हम 90 ऐड करते हैं तो कितना आता है, हमारा यहाँ पर आता है 20, वो भी प्लस का, ठीक है जी। यहाँ पर 20 में 37 को अगर हम ऐड करते हैं, ये भी पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 57 यानी कि 57 हमारा हो जाएगा। अगर हम 57 में यहाँ पर -77 ऐड करते हैं तो -20 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। -20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर -80 आ जाएगा, ठीक है जी। -80 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अभी मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, -240 हमारा ये आंसर इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक है जी। अब हम इधर से चलते हैं, यहाँ पर 57 यहाँ है, 47 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 10 आ जाता है। 10 में अगर हम 37 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 47 हमारा आ जाएगा। 47 में से 27 को अगर माइनस करेंगे, 27 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 20, 20 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 हमारा आ जाएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा, और 18 की 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 108। तो इस सवाल में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, ये दोनों की दोनों समान नहीं आ रहे हैं, ये माइनस का आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो संख्या है यहाँ माइनस और प्लस का कहीं ना कोई लिखने में इन्होंने जो ये नंबर्स दिए हैं यहाँ पर मिस्टेक जरूर है इसके अंदर। वैसे करना इसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमने आपको बताया है। आगे ये सवाल मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो गलती है वो त्रुटि जो है वो आप ढूंढिए, अगर आपको समझ में आती है ठीक है, नहीं आती है तो मैं इसको हल करने की कोशिश करूंगा, और जो त्रुटि होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पर लाएंगे। आगे यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो यहाँ पर आगे आपको एक संदेश दिया जा रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो यहाँ पर चित्र भी आपके लिए दर्शा रखा है, तो सभी बच्चे इस इनका अवश्य पालन करते रहें। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।